नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। नागालैंड चुनाव में आप नेठों की ताल, पार्टी नेता बोले राज्य की राजनीति पैसे का खेल नहीं, उम्मीद देने को गंभीर। काशी का मंदिर टूटने पर शिवाजी ने औरंगजेब को लिखा था खत, मुंबई में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल के मालदा में टीएमसी कार्यकर्ताओं के दो गुटों में झड़प और फायरिंग में कई घायल। अप्रवासी विवाद पर सिक्किम में बवाल, न्याय की टिप्पणी पर विरोध प्रदर्शन के बीच शाह ने दिया यह भरोसा। नादेड़ में केंद्र पर बरसे केसीआर, बोले अब की बार किसान सरकार, वाटर वार चीन और किसान। बाल विवाह के खिलाफ असम पुलिस का एक्शन, 3 दिनों के भीतर 2,278 लोग गिरफ्तार। टीएमसी ने त्रिपुरा चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, बेरोजगारी भत्ता और 2 लाख नौकरी देने का वादा। जेडीएस नेता एचडी कुमार स्वामी का दावा, बोले आरएसएस के प्रहलाद जोशी को सीएम बनाने की योजना। औरंगाबाद में तेज रफ्तार पिकअप ने आधा दर्जन लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर। आदित्य ठाकरे की सीएम एकनाथ शिंदे को चुनौती, एमएलए ठाकरे बोले हुए वर्ली से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एपीएल स्टॉली ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, धान खरीदी के नियमों से मांगी राहत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले कोई जाति वर्ण नहीं है लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई वो गलत था। असम में बाल विवाह गिरफ्तारियां बंद कराने की मांग, ओवैसी बोले जिनकी शादी हो चुकी है उनका अब क्या होगा। अडानी मामले में कांग्रेस ने मोदी से पूछे 3 सवाल, का हम अडानी के हैं कौन कहकर प्रधानमंत्री सवालों से नहीं बच सकते। राजस्थान के बाड़मेर में योग गुरु रामदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बयान देने का आरोप। ओपी राजभर बोले मैं बहुत बेहया नेता हूं, मानने वाला नहीं, यूपी में शराब बंद कर दो, पैसा ना हो तो हम देंगे। सोनभद्र में 3 बाइक सवार दोस्तों को ट्रक ने कुचला, हादसे में 3 की मौके पर मौत, बर्थडे पार्टी मनाकर वापस लौट रहे थे। ताजमहल पर स्पेन के पर्यटक को कुत्ते ने नोचा, इलाज न मिलने पर सैनिटाइजर लगाया, G20 में आए विदेशी मेहमान। पत्नी 2 बच्चों की गला रेतकर हत्या, गोरखपुर में 3 को मारकर पिता ने खुद को आग लगाई, कर्ज में डूबा था परिवार। झांसी पहुंचे रामविलास वेदांती, बोले अखिलेश ने आतंकवादियों से पैसा लिया है, मुलायम ने हिंदू मुसलमान को लड़ाया।
शादी से पहले महिला कांस्टेबल की मौत, बाथरूम में 45 मिनट तक बाहर नहीं आए, ससुराल वालों ने निभाई रस्में। काशी में उखाड़ा शिवलिंग, तोड़ी नंदी हनुमान की प्रतिमा, चौबेपुर के मंदिर में देर रात हुई घटना, गांव में तनाव। कुंज गलियों को बचाने में मीटिंग में साधु व्यापारी नाराज, बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर पर गुस्साए लोगों ने एसडीएम की मीटिंग छोड़ी। हरदोई में सरसों के खेत में मिला किशोरी का शव, प्रेम प्रसंग चलते हत्या की आशंका, गली में कसा हुआ था दुपट्टा। आईजीआरएस की रैंकिंग में 40वें स्थान पर पहुंचा आजमगढ़, लंबित शिकायतों के समाधान करने के निर्देश। युवाओं को जीआईएस के फायदे बताएंगे रिटायर्ड आईएएस, गोरखपुर की दो यूनिवर्सिटी में छात्रों से करेंगे चर्चा, सीएम देंगे वीडियो संदेश। प्रदेश में दूसरा मॉल होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगी गई। घरों में क्या था हाथ साफ, जेवर कैश मोबाइल हुए बरामद। संभल में मामा भांजों के बीच छिटाकशी को लेकर मारपीट, मां बेटे सहित मामा घायल, घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस। बरेली में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ दो आरोपी को गिरफ्तार, शाम होते ही तमंचे के बल पर करते थे लूट। गोरखपुर में 8 पुलिस वालों के ट्रांसफर, जयंत कुमार चुआतल और मदन गीडा के नए थानेदार बने। फ्लाइट में यात्री ने थूका पान मसाला, पैसेंजर से स्पाइस चेस्ट से की गई शिकायत, नहीं हुई कार्रवाई। आग से निकलेगा मोनू पंडा, एक महीने के लिए तप पर बैठा है, होलिका दहन के दिन आग से निकलेगा मोनू। एलुमनी मीट का हुआ आयोजन, पीजी कॉलेज के तकनीकी शिक्षा एवं शोध संस्थान में हुआ आयोजन। आरएसएस का शक्ति प्रदर्शन, संघ की शाखाओं में स्वयंसेवकों ने आत्मरक्षा के लिए कई प्रदर्शन किए। समाज सुधार आंदोलन को आगे बढ़ाएगी आर्य समाज की संस्थाएं, मुजफ्फरनगर शाकुंतलम में आचार्य गुरुदत्त आर्य का आह्वान। अंबेडकर नगर के टांडा इलाके में दुकान में लगी आग, शादी समारोह में गया था दुकानदार, जांच में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग, 4 फायर टेंडरों ने 1.5 घंटे में बुझाई आग। बुलंदशहर में हर्ष फायरिंग में एक शख्स की मौत, एक घायल, सगाई समारोह में दूल्हे के छोटे भाई ने की फायरिंग। रायबरेली में निकला 12 फीट का अजगर, अफरा तफरी का माहौल, ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। श्री रामचरितमानस की प्रतिया चलाने वाले दो आरोपियों पर एनएसए ओबीसी महासभा के कार्यकर्ताओं पर हुआ था केस।
63 का दूल्हा और 24 की दुल्हन। बाराबंकी में 6 लड़कियों के पिता ने रचाई दूसरी शादी, जमकर किया डांस। आजमगढ़ में जमीन में दफनाया मिला युवक का शव, शव पर पुआल रखकर की गई जलाने की कोशिश। पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पैर में लगी गोली। मेरठ में देर रात हुई मुठभेड़, वाहन चोरी में चल रहा था वांछित। बदायूं में शेल्टर होम पहुंची सांसद, नैनीहालों में बांटा प्यार, उपहार समेत खाने पीने का दिया सामान। उत्तराखंड में अलकनंदा के किनारे खेल रहे थे बच्चे, पैर फिसलने पर छोटा भाई बहा तो बड़े ने लगाई छलांग, दोनों लापता। काली कमाई से जुटाए 90 करोड़ की संपत्ति, अगले साल अपना विश्वविद्यालय खोलना चाहता था इमलाक। जोशीमठ के सिंहधार में खिसक रहे थे 20 फीट से भी ऊंची भारी भरकम चट्टान, सैकड़ों परिवारों की अटकी सांसें। गैरसैंण में मार्च के दूसरे सप्ताह में होगा बजट सत्र, सरकार ने 27 फरवरी तक मांगे सुझाव। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने गिनाई बजट की खासियत का, हरित हाइड्रोजन मिशन से मिलेगा लाभ। गैरसैंण विधानसभा गेट पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया उपवास, बोले राज्य में निराशा और ठहराव। उत्तराखंड की शांति कुछ को इंटरनेट मीडिया पर बदनाम करने पर मुकदमा, प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या से जुड़ा है पूरा मामला। भाजयुमो नेता व गैंगस्टर के घर में घुसकर गोलियों से भूनकर हत्या, करीबी बताया जा रहा है हमलावर। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा, पानी मंगवाने के बहाने किशोरी को कमरे में ले गया था आरोपित। जोशीमठ के जलधारा के स्रोत को लेकर तस्वीर हुई साफ, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान करेगा जांच। उत्तराखंड की राजधानी में ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, देहरादून को बना दिया था जामताड़ा। उत्तराखंड के दो शाबाश सबूतों को मिलेगा नेशनल मेडल, मध्य प्रदेश में 8 फरवरी को किया जाएगा सम्मान। उत्तराखंड के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष धारीवाल की तलाश में जुटी एसआईटी, संभावित ठिकानों पर मारे छापे। कबाड़ से भरे गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल के 6 जवानों ने 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चमोली में हिमस्खलन, सुमना में बर्फ में दबे 3 शव और मिले मृतकों की संख्या हुई 15, 3 अभी भी लापता। अड़तालीस घंटे में 100 से अधिक बार भूकंप के झटकों से दहला तुर्की, तबाही के बाद से दुनिया से मांगी मदद। अमेरिका में फिर फायरिंग की घटना, कोलोराडो में 1 की मौत, 4 लोग घायल, एफबीआई और पुलिस कर रही है जांच।
आईएमएफ के सामने शहबाज सरकार की सीटी पिटी गुम, 900 अरब रुपए के राजकोषीय घाटे पर फंस गया मामला। हांगकांग में सरकार विरोधी 47 लोकतंत्र और समर्थक नेताओं के खिलाफ चलेगा मुकदमा, हो सकती है कारावास की सजा। ऑस्ट्रेलिया में हिमस्खलन से 8 लोगों की मौत, हवा और बर्फबारी के कारण तेजी से बढ़ा खतरा। शक्तिशाली भूकंप से मिडिल ईस्ट में बड़ी तबाही, तुर्की और सीरिया में 757 लोगों की मौत, हजारों घायल हुए। इराक में 22 साल की यूट्यूबर की हत्या, तुर्की में मंगेतर के साथ रहती थी, नाखुश पिता ने गला घोटकर मारा। नेपाल की प्रजनन सरकार खतरे में, गठबंधन में शामिल पार्टी ने समर्थन वापस लिया, मंत्रियों ने इस्तीफे दिए। पूर्व इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट का दावा, बोले पुतिन ने वादा किया है वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। चीन के जासूसी बैलून पर अमेरिका के स्ट्राइक, बाइडेन ने फाइटर पायलट्स को दी बधाई। दमानी ने की देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील, डीमार्ट के फाउंडर राधा किशन ने मुंबई में 1238 करोड़ रुपए में खरीदे। इंडिया के दिग्गज आईटी कंपनी में छटनी, इंफोसिस ने एफए टेस्ट में फेल होने वाले 600 एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाला। फेसबुक पर फोन की बैटरी चुराने वाला आरोपी, डाटा चोरी, मानव तस्करी, फेक न्यूज में लिस्ट में एक कंपनी और कई विवाद। बायजू ने 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, बायजू ने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला। ब्रिटेन से अमीरों की पसंद बना पीएमएस, अगले 5 साल में 75% पहुंच जाएगी देश में एचएनआई की संख्या। महाराष्ट्र सरकार उद्योगों के लिए बनाएगी 4 सर्कुलर इकोनॉमी पार्क, स्क्रैप रिसाइकलिंग पर फोकस। केंद्रीय कर्मचारियों को होली पर मिलेगा तोहफा, महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। हिंडनबर्ग अदानी समूह मामले में सेबी का बयान, कहा हालात से निपटने के लिए सभी निगरानी व्यवस्था मौजूद। सट्टेबाजी और लोन से जुड़े चीनी ऐप्स पर सरकार का शिकंजा, इस बार आईटी मंत्रालय ने ब्लॉक किए 232 ऐप। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 12 दिन में 60% गिरे, आज 5% की गिरावट, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने अडानी को लोन देना किया बंद। गुजरात के मिथुन व्यास ने वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, कैंसर से ठीक होने के 6 महीने में ही टेटे शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा 2-1 से टेस्ट सीरीज, पूर्व दिग्गज कप्तान महिला जयवर्धनी ने सीरीज शुरू होने से पहले कर दी भविष्यवाणी। शेन वॉटसन ने बल्लेबाजी को दी खास सलाह, बोले जडेजा गेंदबाजी के दौरान विकेट पर अटैक करने का ज्यादा प्रयास करते हैं।
दुबई कैपिटल्स के कप्तान होंगे यूसुफ पठान। इससे पहले वेस्टइंडीज के रोमैन पावेली कप्तानी कर रहे थे। बीसीसीआई को धमकी दी, बोले अगर भारत पाकिस्तान नहीं आए तो छोड़ देंगे अगला विश्व कप। रविंद्र जडेजा का बड़ा बयान, बोले 5 महीने बाद भारत की जर्सी पहनकर खुशी हुई, रांची में कॉन्फिडेंस मिला। कप्तान रोहित का सबसे बड़ा टेस्ट, भारत और डब्ल्यूटीसी फाइनल के बीच खड़ा ऑस्ट्रेलिया, शर्मा का कप्तानी अनुभव कम। बीसीसीआई के चीफ पिच क्यूरेटर पहुंचे धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम के आउटफील्ड, देखी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1 मार्च से टेस्ट मैच। पहले टेस्ट से बाहर हो सकते हैं जोश हेजलवुड, दूसरा टेस्ट खेली पर भी संशय, स्टार्क और ग्रीन पहले से चोटिल। फुटबॉल मैच के दौरान चले लात घुसे केरल की लोकल लीग में 2 अफ्रीकी प्लेयर्स आपस में भिड़े, फैंस ने भी की लड़ाई। सना खान ने मक्का पहुंचकर किया उमरा, शेयर की तस्वीरें, फैंस ने लगाए प्रेगनेंसी के कयास। अर्जुन रामपाल की बेटी के साथ न्यासा ने की पार्टी, रेड ड्रेस में लगी बेहद ग्लैमरस यूजर्स, बोले जल्दी एक्टिंग शुरू करो। रिकी केज ने फिर बढ़ाया भारत का गौरव, तीसरी बार जीता ग्रैमी अवार्ड, रिकी केज ने ट्विटर पर दी जानकारी। रवि किशन के बड़े भाई राम किशन का हार्ट अटैक से हुआ निधन, ट्वीट कर बोले वे हमारे घर के राम थे। पठान का विरोध करने वाले पर कॉमेडियन राजीव निगम ने कसा तंज, बोले अब दूसरे विषय पर कर रहे हैं रिसर्च। पाकिस्तान में गैर कानूनी तरीके से दिखाई जा रही है पठान, 900 रुपए में बिक रहे हैं फिल्म के टिकट। शाहरुख के पठान ने दंगल का रिकॉर्ड तोड़ा, कमाई के मामले में अब सिर्फ 2 बाहुबली 2 और केजीएफ 2 आगे। सात फरवरी को शादी करेंगे सिद्धार्थ क्यारा, एक दूसरे के पेरेंट्स से ली थी रिश्ते की इजाजत। बिना नाम लिए कंगना रनौत ने साधा आर्या और रणबीर पर निशाना, बोले मेरा डाटा लीक हुआ है। बिग बॉस फेम उर्वशी ढोलकिया का हुआ एक्सीडेंट, कार को स्कूल बस ने मारी टक्कर। आज के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।